वेल प्यार ऑफ कोर्स थोड़ी तो दोस्तों 2003 में रिलीज हुई मूवी इक्ष्विक्ष जिसने काफी ज्यादा बिग हिट की थी, वहीं दोस्तों टिप्स ऑफिशियल ने इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ इसका एक टीजर आउट हुआ है जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोस्तों इक्ष्विक्ष रिबाउंड मूवी जिसमें आपको रोहित शरफ एक लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वेलो मैं बात करने वाला हूँ इक्ष्विक्ष रिबाउंड मूवी के बारे में, नजर डालूंगा उसकी अभी तक की सारी अपडेट्स पर, डिस्कस करने वाला हूँ उसकी स्टोरी कास्ट रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। भाई दोस्तों आप रोहित शरफ के बिग फैन है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं दोस्तों ऐसी मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना बोलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो टिप्स ऑफिशियल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे इस मूवी का एक टीजर आउट किया जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब उस टीजर को देखकर काफी कुछ पता चल रहा था इस मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को कैन गोज डायरेक्ट करते नजर आने वाले। दोस्तों ये मूवी फुल ऑफ कॉमेडी और रिलेशनशिप के अराउंड होने वाली जो कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए क्लियर करते इस मूवी के सारे डाउट्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में। तो ये मूवी एक मल्टी स्टार मूवी होने वाले जहां पर आपको रोहित शरफ के अपोजिट पश्मीना रोशन, जिब्रान खान और नईल अग्रवाल एक लीड रोल में नजर आने वाली है। मैं दोस्तों रोहित शरफ और जिब्रान खान में इसके बिग फैन हूं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले जहां पर स्टोरी एक कॉलेज के अराउंड होने वाली जिसमें ये चार दोस्त की स्टोरी और जर्नी दिखाई जाएगी। दोस्तों किस तरीके से ये लोग अपनी जर्नी को आगे एक्सप्लोर करते नजर आएंगे, ये मेन कांसेप्ट प्लॉट होने वाला है इस मूवी का। तो दोस्तों कुल मिलाकर मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो मेकर्स ने इस मूवी की रिलीज डेट फाइनली फाइनलाइज कर दिया। दोस्तों ये मूवी आपको 28 जून को अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों वापस से तैयार हो जाओ रोहित शरफ की एक और मच अवेटेड और अपकमिंग मूवी के लिए जो कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट। दोस्तों होपफुली आपको इस मूवी से रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए। दोस्तों कोई भी डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और भाई दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर देखने को मिले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।